तो हाल मन जाए डंडे से, तो ही अंगुल की लकड़ी पकड़ा पांव जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी से चाक घुमावे डंडे से। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया, नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था, बाहर की दशा कहूं कैसे नौकर शाही का दौड़ा था। पृथ्वी मैया त्राहि त्राहि करने लगी, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। ब्रह्मा जी के सामने रो रही, तो ब्रह्मा जी बोले ये आंसू मेरे सामने मत बहा, ये आंसू भगवान विष्णु के सामने बहाओ, जिसने तुम्हारे आंसू भक्त भक्त पर पहुंचे हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बनके यादव भूप, मैं भी आऊंगा आप जाइए। सभी देवी देवतागढ़ चले आए। भगवान आज बड़े प्रसन्न हैं। इधर महाराज जो कंस मथुरा नगरिया का राजा है, इसके एक चचेरी बहन है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, उनकी शादी शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए, जब रिश्ता पक्का कर दिया, वसुदेव जी जब बारात लेके आए हैं, तो कंस ने एक बात कही है वसुदेव से कि हे वसुदेव जी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना, लेकिन मेरी बहन देवकी को कभी कष्ट मत देना। तब बहन आज भैया के गले में पैया डाल के बोली, ओरे वीरन भैया नहीं होगा। विदाई की है, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाकी पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। स्वयं रथ को आगरा, दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब दिए, और रथ को स्वयं हाँक करके बहन देवकी को बिठाया। जो
रथ आगे को बढ़ा। अरे भैया आकाशवाणी होने लगी और जवाब दिया, हे भोजराज कंस, जिस बैन देवकी को तू इतने हर्ष और उल्लास के साथ में ले जा रहा है, उसी का आठवां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। मेरे भैया जैसी आकाश बड़ी हुई और जवाब दिया, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत कुमिलाएगा, इसके आठवें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा। जिस पेन देवकी को इतनी उत्साहित से ले जाता है, उसी के काले पर्दे पर अब काल तेरा मुस्काता है। कंस ने जो सुना कि इसका आठवां बेटा मेरा काल है, तो कंसासुर कहने लगा, झुको ओ पिसकी डाल, हाजिर है तेरे लिए ये पूजन का थाल। मारने के लिए तैयार हुआ तो उसी समय कहने लगे हैं वसुदेव कि मैं भी बलपूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा, छोड़ दो। क्या बोले